नमस्कार, आपके पाम का एनालिसिस करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा जरा। स्टार्ट करते हैं मणिबंध से। मणिबंध जो है यहाँ पर काफी सुंदर है, गहरा बना हुआ है जंजीर की तरह, लास्ट में जाकर बिल्कुल हल्का पतला होके एंड हो रहा है, तो इसे आप कंप्लीट मणिबंध भी कह सकते हैं। उसके बाद सेकंड मणिबंध भी काफी अच्छी है, थर्ड मणिबंध भी काफ़ी अच्छा है, मतलब सेहत जो है आपकी लगभग ठीक ठाक रहेगी और काफ़ी लंबे समय तक आप अच्छे रहेंगे, फिट रहेंगे। छोटी मोटी पेट की बीमारी के अलावा आपका जीवन जो है बहुत सही, मतलब स्वास्थ्यवान और बहुत डिसिप्लिन में रहेगा। और ये मणिबंध जिसका जितना अच्छा होता है, ऐसे लोगों का सिक्स सेंस बहुत बेहतरीन होता है, मतलब ये लोग जो है पूर्वाभास इनको बहुत पहले से हो जाता है, किसी भी चीज़ को जैसे आप पहले से ही फील करने लगते हैं, जैसे कुछ अच्छा होना, कुछ बेटरमेंट होना, उस ओर जो है आपको बहुत पहले से ही एक अच्छी फीलिंग आने लग जाती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी एक पॉसिबिलिटी है कि पहले से जब आपको किसी चीज़ का अनुमान लग जाए कि कुछ ऐसी घटनाएँ घटने वाली हैं, तो आप खुद ही बहुत अलर्ट हो सकते हैं इस विषय में, राइट? तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब मैं इनको मिटा के थोड़ा जूम कर लेता हूं। अब आपके जीवन रेखा को देख लेते हैं। जीवन रेखा के स्टार्टिंग फेज में बहुत सारी छोटी मोटी शाखाओं के साथ बनी हुई है, एक त्रिशूल भी बना हुआ है। तो त्रिशूल का जीवन रेखा के प्रारंभ में होना तो वैसे ही एक बहुत ही शुभ चिन्ह माना गया है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान शिव का बहुत जबरदस्त आशीर्वाद बना रहता है हमेशा। और यहाँ पर कुछ छोटे मोटे से ट्रायंगल भी बन रहे हैं, तो बचपन में शायद आपको कुछ ना कुछ अच्छा, मतलब जैसे क्लास में अच्छा अच्छे मार्क्स लाना या स्पोर्ट्स में अच्छा होना, बचपन लगभग आपका काफ़ी अच्छा बीता है। छोटी मोटी बीमारी के अलावा बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ। तो छोटी मोटी बीमारियाँ बचपन में होती रहती हैं। एक छोटा सा द्वीप भी बना हुआ है, तो इस तरह के छोटे छोटे द्वीप में क्या होता है कि व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारी लगभग जीवन में हमेशा थोड़ी बहुत होती रहती है, और स्टार्टिंग फेज में तो ज़्यादा ही होती है, बट ऐसा कुछ बहुत बड़ा या जैसे लाइफ को हर्ट करने वाली चीज़ें नहीं होती। उसके बाद फिर नीचे की ओर यहाँ तक आते आते एक रेखा ऊपर की ओर इस तरह निकल गई है, गुरु के पर्वत की ओर। तो ये रेखा एक समझ लीजिए कि एक तरह से इच्छा पूर्ति रेखा इसे कहते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में हर एक इच्छा पूरी होती है ऐसी रेखा होने पे, मतलब जीवन रेखा से कोई रेखा ऊपर गुरु की पर्वत की ओर जाए तो। उसके बाद नीचे यहाँ पर जाते जाते बहुत सारी छोटी 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 रेखाएं जो है लगभग 50 इयर्स तक, ये छोटी छोटी रेखाएं जो है बहुत सारी निकली हुई हैं आपके जीवन रेखा से। तो इस तरह की रेखाएँ जो है व्यक्ति को जीवन में बहुत बार ऊंचा उठने के लिए चांसेस मिलता रहेगा, मतलब कि आपको किसी ना किसी वजह से कभी ना कभी हमेशा प्रमोशन मिलता रहेगा, इंक्रीमेंट होती रहेगी लाइफ में। आप कभी थमे हुए बा रुके हुए नहीं रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ वजह से आगे बढ़ते हुए जरूर जाएंगे। और लाइफ लाइन को टच करने वाली ये छोटी छोटी मंगल की रेखाएँ जो हैं, ये दिखाती हैं कि आपको पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जैसे इंटेस्टाइन लिवर या डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा गैस बनना, एसिडिटी बनना, ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं आपको काफ़ी बनता है, जिस वजह से मैक्सिमम टाइम आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दवाई लेनी पड़ती है। तो अगर आप अपना एक अच्छा होम्योपैथी ट्रीटमेंट कर सकें तो ये वाला प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो सकता है। एलोपैथी जो है वो टेम्पररी ट्रीटमेंट करता है, मतलब जस्ट फॉर सम वाइल, कुछ समय के लिए, पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता। इसी तरह जीवन के इस पड़ाव तक आपको हमेशा कुछ ना कुछ प्रमोशन मिलता रहेगा। आफ्टर 50 जो है आप बिल्कुल बहुत पहले ही एक अच्छा सा रिटायरमेंट लेने की सोचेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। बहुत लोग तो 60 के बाद लेते हैं, लेकिन आपके पास उस टाइम तक इतना अच्छा पोजीशन बन जाएगा, या समझ लीजिए कि करियर वाइज आप इतने अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाएंगे कि उसके बाद आपकी लाइफ जो है काफ़ी स्मूथ चलेगी, मतलब
हो सकता है कि आप 50 इयर्स में ही वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लें, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लास्ट जिस जॉब में, मतलब 50 इयर्स तक जिस जॉब में रहें, वो फिर आप कंटिन्यू 10 साल उसी जॉब में रह पाएंगे और बहुत अच्छे से इनकम कर पाएंगे, बिल्कुल शांति से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अब चले जाते हैं आपके मस्तिष्क रेखा में, पहले इनको मिटा दूं। मस्तिष्क रेखा आरंभ इस जगह से हो रही है, जीवन रेखा से, यहाँ पर हल्का सा क्रॉस बन रहा है, उसके बाद छोटे मोटे क्रॉस जो है इस तरह से निकल के ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग के पड़ाव में थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ा होगा, यही दिखता है, और आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं या करते हैं उस हिसाब से लगभग छोटा थोड़ा बहुत आपको, थोड़ा नहीं मतलब आप जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उस हिसाब से आपको फल मिलता ज़रूर है, एकदम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी फल नहीं मिलता, फल मिलता ज़रूर है। उसके बाद जीव मस्तिष्क रेखा यहाँ पर नीचे झुकाव लेते हुए इस जगह पर आके ख़त्म हो गई। तो जब भी मस्तिष्क रेखा का झुकाव चंद्र पर्वत की ओर ज़्यादा हो तो ऐसा व्यक्ति जो है एक तरह से समझ लीजिए कि थोड़ा क्रिएटिव वर्क या क्रिएटिव चीज़ों पे इंटरेस्ट लेना ज़्यादा इनको अच्छा लगता है, मतलब क्रिएटिव काम करना, और ये काफ़ी कल्पना जगत में रहना पसंद करते हैं, और काल्पनिक चीज़ों को सोचते हुए उसको रियलिटी में चेंज करना भी इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है, समझ लीजिए कि ये एक अच्छा उनका उनके अंदर गुण होता है। लेकिन यहाँ पर एक रेखा जिसे आप जीवन रेखा की शुरुआत भी कह सकते हैं, इसको एक टूट के नीचे की ओर मस्तिष्क रेखा में कनेक्ट हो गई है, और एक यहाँ पर इस तरह का एक बड़ा अजीब सा शेप बन रहा है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, और फिर यहाँ से इस तरह का बन रहा है। मतलब अगर मैं इसे हृदय रेखा पकड़ूं तो ये भी एक हृदय रेखा की तरह चीज़ें बन रही हैं, बट ये टूटी हुई हृदय रेखा ये आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या ऐसा कोई मेंटल ट्रॉमा जिस वजह से जो है आपको एंजाइटी रहता हो या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर, मेंटल प्रेशर फील करते हो, और अगर ये मस्तिष्क रेखा पे आके टच कर रही है मंगल से निकलती हुई, मतलब सकारात्मक मंगल से निकलती हुई रेखा अगर मस्तिष्क रेखा को आके टच करती है तो ऐसा व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज़ दौड़ता है, आप जो है बहुत सही तरीके से अपना दिमाग यूज़ कर पाते हैं और प्रेशर में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं कर पाते, बट कुछ चीज़ें जो हैं आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसी हैं जो जिस वजह से जो है आप काफ़ी कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। यहाँ पर एक साइन दिख रहा है, उसको मैं कुंडली देखने के बाद ही कंफर्म करूँगा, क्योंकि ये रेखा जब भी बनती है तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय नहीं होता, और यहाँ पर एक शुक्र का वलय टाइप में भी बन रहा है, हालांकि ये जो है सूर्य की रेखा आप कह सकते हैं, और ये यहाँ से आकर फिर यह शनि के पर्वत की ओर इस तरह चला गया है। तो जब भी सूर्य का पर्वत और शनि के पर्वत को कोई रेखा इस तरह से वलय बनाता हो एक साथ, तो इसे शुक्र का वलय कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को भोग विलासितापूर्ण जीवन मिलती है, मतलब जीवन में हर वो चीज़ प्राप्त होती है जो इनके अंदर मन के अंदर चलता है। एक हाथ के बीचों बीच एक क्रॉस भी दिख रहा है जो इस तरह से बना हुआ है, तो बीच का क्रॉस बहुत अच्छा है, बट ये पूरा एरिया जो है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारी रेखाओं की वजह से बड़ा हॉचपॉच सा हो रखा है। इस वजह से मतलब ऐसा लगता है कि आपको करना बहुत कुछ है बट किसी न किसी कारण से आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर ये रेखा जो है आगे जाके इस तरह झुकी हुई है मस्तिष्क रेखा की ओर, तो ये थोड़ा सा अजीब चीज ये है कि ऐसे लोग अगर हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा की ओर ज्यादा झुकाव लिए या कनेक्टेड हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा जो है ज्यादा सेल्फिश हो जाता है, या समझ लीजिए कि छोटी छोटी बातों पे लोगों के साथ झगड़ा भी हो जाता है, मतलब कि थोड़ा इगोइस्टिक ज़्यादा हो जाते हैं लोग, ऐसे लोग। और यहाँ पर एक जो बृहस्पति का पर्वत है इसमें दो बॉक्स बन रहे हैं, तीन क्रॉसेस दो बॉक्स, ये बहुत ही अच्छा साइन है,
एक तरह से इसको आप कह सकते हैं कि पतंग का निशान भी जैसा बन रहा हो या कुछ ऐसा। तो ये चार ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये अच्छा साइन है कि आपको जीवन भर जो है किसी अच्छे व्यक्ति का, मतलब कि आपके क्लोज रिलेटिव का साथ हमेशा मिलता रहेगा, मतलब सपोर्ट फिनेंशियल हो या मेंटली हो, उस तरह का सपोर्ट मिलता रहेगा कुछ ना कुछ। अब चले जाते हैं आपके भाग्य रेखा में। भाग्य रेखा बिल्कुल नीचे से इस तरह से आरंभ होती हुई है और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है जो जीवन रेखा से निकलकर बनता है, इस तरह का एक रेखा। और जब भी भाग्य रेखा में ऐसी ट्रायंगल बनती है तो बहुत कम उम्र में ही भाग्योदय ऐसे लोगों का हो जाता है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप बहुत कम उम्र से ही अपना इनकम करना और अपना सेल्फ डिपेंडेंसी के ऊपर ज़्यादा आप अग्रसर हो चुके थे, मतलब आपको ऐसा लगता था कि मैं अपना पैसा खुद का कमाऊं और खुद का नाम, खुद के मतलब वजूद से मैं आगे बढ़ूं, किसी की ज़्यादा हेल्प ना लूं। एक अद्भुत बात आपके हाथ में है जो यहाँ से चंद्र पर्वत से निकलती हुई एक रेखा जाकर भाग्य रेखा को कनेक्ट कर रही है और ये चंद्र पर्वत से इस तरह से। तो जब भी इस तरह की रेखाएं बनती है तो व्यक्ति को अचानक से विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट होने की संभावना काफ़ी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक और रेखा जो है इस तरह से क्रॉस कर रही है इसको, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप जो है बिना मतलब किसी बात के कारण या किसी दूसरे बाहरी व्यक्ति के द्वारा, शायद आपने वो काम किया ही ना हो, बट उस काम की वजह से आपको जो है बदनामी झेलनी पड़ी हो, या अभी पड़ी होगी कुछ दिनों पहले, या भविष्य में पड़ सकती है। स्पेशली जब चंद्र की दशा चलेगी तब ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा आपको। और एक बहुत बेहतरीन रेखा जो है जिसे आप बुध की रेखा कहते हैं, इस तरह से इसे स्वास्थ्य रेखा या बिजनेस लाइन भी कहते हैं, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर काफ़ी बेहतर ये रेखा बनी हुई है। तो अगर आप जॉब के साथ साथ अपना कुछ पर्सनल काम भी करें, जैसे साइड वाइज कोई बिजनेस या अपना जो भी आपके पास टैलेंट है जो आप जानते हैं, उसके ऊपर कोई ऐसा काम जिससे पैसा ज़्यादा इनकम हो सके, या पार्ट टाइम जॉब मिल सके, या पार्ट टाइम कुछ और दूसरा काम कर सके, मतलब आपके हाथ में दो तरफा इनकम दिख रहा है, मतलब एक साइड नहीं, दो या तीन इनकम सोर्स आपका होगा जहाँ से अच्छा पैसा आपको मिल सकता है। अब चले जाते हैं, तो चंद्र का पर्वत हो गया, भाग्य रेखा को बहुत सारी रेखाएं धीरे धीरे सपोर्ट कर रही हैं, बहुत सारे एरिया से, यहाँ से भी एक रेखा निकल के आई है और मणिबंध से भी कुछ रेखाएं ऊपर की ओर उठ रही हैं। तो मणिबंध से जब भी इस तरह की रेखाएं ऊपर की ओर उठती हैं तो व्यक्ति जो है अपने आप को बेहतर बनाने में बहुत समय देता है, मतलब आप जो है अपनी गलतियों से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट है। और ऐसे व्यक्ति जो अपनी गलतियों से सीखते हैं वो जीवन में आगे जरूर जरूर बढ़ते हैं। जीवन रेखा और भाग्य रेखा के बीच में एक फिश का साइन भी बन रहा है यहाँ पर, तो एक और ये पॉजिटिव साइन है। तो लगभग जैसा कि मैंने कहा कि 50 के बाद आपका लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मतलब स्टेबल और स्टेबल हो जाएंगे, मतलब 50 तक आप भागा दौड़ी करेंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, बट आफ्टर 50 जो है आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब सेटल डाउन होकर कहीं आराम से बैठ के जॉब करें तो जॉब, अगर नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चले जाते हैं आपके शुक्र पर्वत में। शुक्र पर्वत का एरिया जो है ठीक है, बहुत अच्छा बना हुआ है, बट यहाँ पर ये नीली जो नस बाहर आ रखी है ये थोड़ा सा सही नहीं माना जाता। शुक्र का पर्वत ऊंचा और गुलाबी होना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसे होने से क्या होता है कि थोड़ा सा जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस या उससे रिलेटेड कोई चीज़ों में प्रॉब्लम या उस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ा हो सकता है। तो अगर कुछ ऐसा हो तो ज़रूर किसी अच्छे से डॉक्टर के पास दिखाइए, मतलब सेक्सोलॉजिस्ट के पास।
और ये रेखाएं जो हैं सीधी सीधी रेखाएं, ये बताती हैं आप जो है अपने काम में एक्सपर्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जो करते हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त आपको महारत हासिल है। एक्सपर्ट जिन मतलब बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ है। पतली पतली रेखाएं जो ऊपर की ओर उठ रही हैं ये बताती हैं कि आपकी नॉलेज बहुत ही गहरी है अपने टॉपिक के ऊपर, मतलब आप जिस विषय में आपने पढ़ाई की है। और आड़ी रेखाएं जो हैं ये दिखाती हैं आप बहुत अच्छा एक कम्युनिकेटर हैं, जो दो लोगों के बीच किसी भी तरह के इशू को सॉल्व करना, रिजॉल्व करना आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है। मतलब जैसा एक मीडियोकर का काम होता है कि दो लोगों के बीच के समस्या को समाधान निकालना, वैसे ही आपके अंदर भी ये कुछ अच्छी कैपेसिटीज मतलब कैपेबिलिटीज़ है जो आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाती है। अब चले जाते हैं आपके अंगूठे की ओर। अंगूठे की चौड़ाई बहुत अच्छी है, तो यहाँ ये बताता है कि आप जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। छोटी मोटी पर्सनल प्रॉब्लम के अलावा आप काम की जगह पे बिल्कुल सुपर कॉन्फिडेंट रहते हैं। और आपकी जो अंगूठे की ऊंचाई है ये भी काफ़ी अच्छी है, तो आपका ब्रेन मतलब लॉजिकल ब्रेन भी काफ़ी तगड़ा है। आप किसी भी बात पे यूं ही विश्वास नहीं कर जाते, आपको उसके ऊपर मतलब जब तक उसको लॉजिकली कोई समझा ना पाए या बिना लॉजिक के आप किसी बात को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करते, पहले समझते हैं। अगर वो साइंटिफिकली प्रूवन होता है या समझ ली कोई उसको प्रूव करके दिखाता है तभी आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल और बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। अब मैं उंगलियों की ओर चला जाता हूँ, पहले इनको डिलीट कर दूँ। बेस उंगलियों का जो बेस है वो बहुत अच्छा है, कर्व लिए हुए सही है। बीच की उंगली का झुकाव जो हल्का सूर्य की उंगली की ओर ज़्यादा है। गुरु की उंगली का झुकाव जो है वो बीच की उंगली की ओर ज़्यादा है। सूर्य की उंगली की हाइट ऊंचाई जो है वो गुरु की उंगली से ज़्यादा है। यहाँ दिखाता है कि आप जो है काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए कभी ट्राई किया हो शायद, तो आपको मिलनी ज़रूर चाहिए थी सरकारी नौकरी, क्योंकि एक तो सूर्य की रेखा अच्छी है और दूसरी यहाँ पर सूर्य की उंगली जो है वो उसकी लंबाई भी ज़्यादा है गुरु की उंगली से। तो आप जो है दूसरों को हेल्प करना या जो ज़रूरतमंद है उनको हेल्प करना आपको काफ़ी अच्छा लगता है, या दूसरे भी जो भी आपके पास हेल्प मांगने आते हैं आप उनको हेल्प ज़रूर करते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा कभी कभी ईगो की बात ये आ जाती है कि आप जब किसी को हेल्प करते हैं और अगले बंदे ने कुछ ऐसी बात कर दी जो आपको ईगो को लग गई, तो फिर आप दोबारा उसकी ओर जाते भी नहीं। तो एक बहुत अच्छी बात है, मतलब एक लीडर के हिसाब से या समझ लो कि एक योद्धा के हिसाब से ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर ईगो नहीं होगा तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। छोटी उंगली भी काफ़ी अच्छी है ऊँचाई लिए हुए है। बुद्धिमान तो आप हैं, बहुत अच्छे हैं, शातिर दिमाग रखते हैं अपना, किसी भी चीज़ को यूं ही नहीं छोड़ देते, हर चीज़ को चैलेंज में लेकर आगे बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करके ही दम लेते हैं। तो ये हो गया आपके हाथ का एनालिसिस। अब थोड़ा सा कुंडली में इसको मैच करते हैं। आपका जो जन्म है 14 दिसंबर 1990 सुबह 10:35 अमृतसर। 14 दिसंबर 1990 सुबह 10:35 अमृतसर। लग्न भाव में राहु, और ये लग्न जो है आपका मकर लग्न राशि तुला राशि है, और आप शनि के जातक हैं। लग्नेश द्वादश भाव में विराजमान है, द्वादशेश गुरु जो है वो सप्तम भाव में चले आए हैं। तो आपके हाथ में बड़ा स्ट्रॉन्ग एक तो रेखा मैंने बताया था जो चंद्र पर्वत से निकल के भाग्य रेखा में कनेक्ट हो रही है, तो विदेश यात्रा का बड़ा ज़बरदस्त योग है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड गो फॉर अब्रॉड। और आने वाले समय में 2018 में जब बुध की दशा स्टार्ट होगी तो आपको हो सकता है कि काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़े या विदेश में जाकर आप काम करें, ये एक पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बनी हुई है। और सप्तम भाव में गुरु उच्च के बट
रेट्रोग्रेडेड यानी वक्री हो गए हैं केतु के साथ। तो थोड़े नहीं, आप बहुत धार्मिक हैं, मैं आप बहुत ज़्यादा मतलब भगवान और ये पूजा पाठ पर अच्छा विश्वास रखते हैं। साथ ही साथ आपकी जो पत्नी धर्म पत्नी होगी वो भी वैसी ही होगी। अगर नहीं हुई तो उसके साथ आपका कनेक्शन भी नहीं बन पाएगा। और शादी की बात जो है, सप्तम भाव में गुरु केतु का होना अच्छा है, बट सप्तमेश जो है वो दशम भाव में विराजमान हो गए हैं, तो आपकी पत्नी भी जो होगी वो कामकाजी महिला होगी, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब वो भी बिजी रहेंगी आपकी तरह। तो पॉसिबिलिटी ये है कि उनकी वजह से आपको कहीं विदेश जाना पड़े, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो पॉसिबिलिटी ये है कि उनके द्वारा या उनके किसी कनेक्शन के द्वारा आपको विदेश जाने का एक अच्छा सा ऑफर मिले तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में 2018 के लास्ट से 2019 के फर्स्ट के बीच शायद आपको विदेश देश से बाहर जाना पड़े जॉब के सिलसिले में, क्योंकि आपका जो छठे भाव का स्वामी है बुध, वो चले गए हैं द्वादश भाव में, और दशम भाव के स्वामी है ये भी चले गए हैं द्वादश भाव में, सप्तमेश चले आए हैं दशम भाव में। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था कि जॉब के साथ साथ आप अगर साइड वाइज कोई बिजनेस भी करें, या आप समझ लीजिए अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस स्पेशली अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड काम हो तो बहुत ही बेहतरीन, या फिर ऐसा हो सकता है कि बिजनेस के सिलसिले में आपको विदेशों में ज़्यादा रहना पड़े, ये पॉसिबिलिटीज भी बनी हुई है, क्योंकि आपकी जो हाथ में जैसा बना हुआ है और साथ में आपका आपकी जो कुंडली है, सप्तमेश जब दशम में होते हैं और दशमेश द्वादश में, सप्तम भाव का साथ यानी चंद्र का और शुक्र का जब संबंध हो, सप्तमेश और दशमेश का संबंध हो, तब व्यवसाय बनता है, बट यहाँ पे कोई संबंध नहीं नजर आ रहा। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप जॉब के साथ साइड वाइज कोई इनकम या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ ऐसा काम डील करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। तो आने वाले 2018 और 19 में आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, क्योंकि बुध जो है छठे भाव के स्वामी, जो कि छठा भाव हम कर्म से देखते हैं, थोड़ी बहुत उस टाइम पे आपको नर्व पेन भी हो सकता है, जैसे साइटी का पेन या नर्व से रिलेटेड ब्रेन में सर में दर्द होना, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, बट वो तभी के लिए ही होंगे, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगी। उसके अलावा ये भाग्य भाव का भी स्वामी है, भाग्येश जब द्वादश भाव में चला जाता है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को विदेश यात्रा पक्की है, विदेश तो आपको जाना ही है। और आपने जो अंगूठियां पहनी है मतलब जेम स्टोन्स पहने हैं, शनि का रत्न नीलम जो कि बिल्कुल सही पहना है, और मकर लग्न के हिसाब से जो शुक्र जो बनते हैं वो राजयोग कारक बनते हैं, वो बैठे हुए द्वादश भाव में, तो यहाँ भी फिर एक पॉसिबिलिटी कि आप इंडिया से ज़्यादा विदेश में चमकेगा आपका सितारा, मतलब आप विदेशों में झंडे गाड़ने वाले लोग हैं। आप जाइए विदेश, आराम से वहाँ पर रहिए, अपना करियर बनाइए, बहुत पैसा कमाइए। शुक्र जो है वो पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठे हैं, तो बाहर वाले लोग ही आपके टैलेंट को समझ पाएंगे, इंडिया वाले नहीं समझ पाएंगे। तो ये था आपका पाम एनालिसिस, और साथ में छोटा सा कुंडली का भी मैंने बता दिया कि किस टाइम पे आपको ज्यादा अच्छा ऑफर मिल सकता है। धन्यवाद।